स्वागत है आपको फिर से एक न्यू वीडियो में। तो बेसिकली मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था, अराउंड 1 मंथ हो गया, 1 मंथ के ऊपर हो गया है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था गाइज, मैंने V4 लेने के बाद ब्लॉग बनना मतलब करना बहुत ही बंद कर दिया था, बिकॉज गाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। और गाड़ी को तो मैं इतना निकालता नहीं हूँ बाहर, बहुत ही कम चलाता हूँ, क्योंकि गाइज फर्स्ट सर्विस हो गया था, सेकंड सर्विस कर लिया पर ब्लॉग नहीं किया, बिकॉज थोड़ा मोड़ा ही कुछ हुआ नहीं, न्यू गाड़ी है तो क्या होगा। तो थोड़ा मोड़ा ऑयल चेंज हुआ और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, बस यही दो हुआ तो मैंने चेंज कर दिया। तो आज आपको V4 का जो ये मेरे पास जो खड़ी है हमारी न्यू मॉडल 2, तो मतलब अभी बनी है ये, तो R1M न्यू, तो इसका मैं आज ओनरशिप रिव्यू और कैसी चल रही, मतलब अराउंड में इसको 4000 कितना किलोमीटर चला चुका हूँ, तो आज इसका हम सेकंड सर्विस का रिव्यू देंगे। तो कैसी बाइक है, क्या आपको लेनी चाहिए, क्या ये लॉन्ग टूर के लिए सही है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और लास्ट तक देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, मुझे सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी तक 200 सब्सक्राइबर तक भी नहीं पहुँचे हैं। तो आप लोग जो बहुत ही जल्दी मतलब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइज आपकी वजह से ही मैं हूँ, वरना हमें भी मोटिवेट नहीं मिलता। आप एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो गाइज चलते हैं, मैं आपको ओनरशिप रिव्यू दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ आपको मतलब क्या क्या है इसमें। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें मैंने कितना मॉडिफिकेशन किया है, बिकॉज न्यू गाड़ी है, लेने के बाद ही मैंने उसका 2-3 के बाद ही मैंने बरहमपुर लेने के बाद इसका सारा मॉडिफिकेशन कर लिया था, क्योंकि व्हील कवर में मैंने लगाया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ व्हील कवर की वजह से, उसका भी वीडियो आएगा क्यों मैंने निकाल दिया, तो लगाया था वो मैंने निकाल दिया। तो थोड़ा सा दिक्कत देता है गाड़ी में व्हील कवर, अगर आप फुल वाला लगा लेते हो, हाफ वाला भी लगा लेते हो, तो बाइक में दिक्कत आती है और माइलेज का भी थोड़ा सा दिक्कत आता है बाइक में। तो एक और बात, मैंने अपने में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का बात कर लेते हैं फर्स्ट। तो गाइज फर्स्ट बात होता है बाइक का सेफ्टी, तो बाइक का हेवी सेफ्टी के लिए मैंने ये अराउंड मुझे 5000 का पड़ गया, तो ये क्रॉस गार्ड मैंने लगाया है, क्योंकि दोनों सपोर्ट मिलता है, गाड़ी गिरती भी है तो ये सपोर्ट मतलब बचा लेंगे गाड़ी का बॉडी को, थोड़ा बहुत ही पूरा सेफ्टी मिलता है। और इधर प्लेन के लिए जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी मैंने ये लगा लिया है, और अपना तो टेल टाइट ऐसे नॉर्मल है, इंडिकेटर ये तो नॉर्मल है कंपनी की तरफ से, ये मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये छेड़छाड़ किया तो कीचड़ मतलब अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा मुझे। और इधर भी मैंने गोल्डन का प्लेट R1M लगा लिया है, और दूसरा इधर मैंने छोटको वाला इंडिकेटर लगाया है, देखो गाइज, और इस साइड देख। हाँ तो गाइज मैं बता रहा था कि इधर मैंने शॉक प्रोटेक्टर, जो शॉक अब्जॉर्बर को जो हमारा प्रोटेक्ट करके रखता है, ये मैंने लगाया अराउंड 3000 का ये है, और 1000 का ये है, जो अपनी बैनम में लगी थी, जो आपको आप मेरे ओल्ड से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है मेरे पास एक स्कूटी थी, तो वो मैंने घर में पड़ी है, उसको कभी कभी चलाता हूँ, ज़्यादातर इसको ही चलाता हूँ, पर कभी कभी चलाता हूँ, अराउंड ज़्यादा भी नहीं चलाता। और संडे राइड ब्लॉग भी करेंगे तो आगे आएगा तो बात करते हैं। और मैंने टेनर वाला मिरर भी लगाया है, ये बहुत ही मतलब गाड़ी को थोड़ा सा लुक थोड़ा सा बल्कि दिखता है और अच्छा लगता है, मतलब R15 में ये बहुत ही जचता है, मतलब पूरा शहजादा जैसा दिखता है ये, वैसे ये मेरे लिए तो शहजादी जैसी है, तो ऐसा ही है। तो इधर भी लगा है, और इधर भी छुटको वाला इंडिकेटर लगा है मेरा, और ये ब्रेक भी मतलब क्लच लीवर गार्ड ये सब हैंडल बार, और चाबी का की भी देख सकते हो गाइज, ये भी गोल्डन है, मैंने जितना मतलब चाह उतना मैंने ये किया है। और इधर मतलब चेन्स पकड़ के इधर भी मैंने गोल्डन लगाया है, और इधर भी ये लगाया है देख सकते हैं गाइज। और स्टैंड का जो चप्पल होता है इसे मैं तो बूट बोलता हूँ इसका, तो ये भी लगा है इधर, और ये मेरा क्रॉस गार्ड है, और ये रहा हमारा प्यारा हेलमेट, बस इतना ही, गाड़ी का मॉडिफिकेशन बोले तो इतना ही है और बाकी कुछ नहीं है, न्यू गाड़ी है तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा बहुत गंदा रहता है,
तो उसको इग्नोर कर देना है गाइस बस इसका। और इसका अंडर वेली, फुल अंडर वेली तो मैंने लगाया नहीं है, देखेंगे अगर फ्यूचर में अगर प्लानिंग होता है तो गाइस अंडर वेली लगाऊंगा। अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलता है तो Insta360 थोड़ा थोड़ा करके लेंगे हम, देखते हैं। बाकी तो अभी नॉर्मल है, थोड़ा बहुत ही छुटकू मुटकू मॉडिफिकेशन किया है, रैपिंग का अभी तक सोचा नहीं है, देखते हैं। रैपिंग तो इधर कोई अच्छे से नहीं कर पाएंगे इसीलिए रैपिंग भी नहीं करेंगे। इसका ओनरशिप रिव्यू का वीडियो मैं आपको बताता हूँ, तो मिलता हूँ आपको ओनरशिप में जाके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज मैं बता रहा था इसका ओनरशिप रिव्यू वीडियो, तो उधर बहुत सारे लोग आ रहे हैं यार, वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं आके, मतलब इसे देख रहे हैं ना जैसे कि मैं इधर, मतलब वीडियो नहीं कुछ और ही करने आया हूँ, समझ रहे हो। तो गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, तो ठीक से वीडियो बनाने नहीं दिया। तो गाइस हम हमारा मतलब टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, तो इसका ओनरशिप रिव्यू वीडियो बनना हो तो सब R15 को उसके हाई प्राइस के लिए, और उसका जो सीट जो बोलते हैं कि हाँ ज़्यादा टाइम चलाओ तो हाथ में और पैरों में पेन होता है, तो हाँ गाइस मैंने भी चलाया है, तो मैंने भी थोड़ा सा रियलाइज किया है कि हाँ गाड़ी में थोड़ा सा झुकना पड़ता है, क्योंकि गाइस देखो स्पोर्ट बाइक है तो उसमें थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, क्योंकि यामा का बाइक ही वैसा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। और R15 को तो बेसिकली उसके लिए बनाया गया है भागने के लिए, वैसे भी ये भागती भी बहुत है, मतलब 200 cc बाइक तक भी आराम से हरा देती है, तो इसके BBA के वजह से। बस कंपनी इसका BBA का जो पैसा होता है ना वही का लेता है, और जापानीज इंजन तो आप सभी को पता ही, और जापानीज इंजन मतलब आपको तो पता ही होगा बहुत ही रिफाइंड इंजन होता है, जैसे कावासाकी का, जैसे सुजुकी और हमारा होंडा कंपनी, उनका बाइक भी बहुत ही रिफाइंड होता है। तो वैसे ही यामाहा का भी इंजन, इसका यामा मतलब R15 का इंजन बहुत ही रिफाइंड इंजन है, अगर इस इंजन को आप बहुत अच्छे से चलाते हो ना और रखते हो बहुत ही अच्छे से, मतलब टाइम टाइम पे सर्विस कर लेते हो, तो इंजन मतलब पूरा पैसा वसूल इंजन है, मतलब लास्टिंग तक जाएगा, कुछ होगा नहीं। आज तक मैंने यामाहा का इंजन मत में कोई दिक्कत आना कभी देखा नहीं कि सुना नहीं है, तो बस यही गाइज। और मैंने अपने शू में देखो शू प्रोटेक्टर लगाया है और गियर प्रोटेक्टर भी लगा लिया है। हाँ इसका गियर प्रोटेक्टर आप भी लगा लेना अगर आपके पास भी R15 का कोई सा भी मॉडल हो ना, तो आप लोग लगा लेना, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ऑलवेज यूज हेलमेट करो गाइज, क्योंकि हेलमेट हमारा सेफ्टी के लिए होता है, तो बहुत ज़रूर यूज करना। तो सेफ्टी का बात को भी साइड करते हैं। गाड़ी अभी Trip 1 में 616 किलोमीटर बता रहा है, पर अराउंड ये 4500 या कितना किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब इसका सेकंड सर्विस हो चुका है ना, तो इसके हिसाब से देखो यार इधर मतलब रोड का काम भी चल रहा है, तो ये। और गाइज ओनरशिप रिव्यू वीडियो बनाओ, देखो गाइज मैं अपने हिसाब से बताऊँ R15 अपने सेगमेंट में बहुत ही बेस्ट है, उसका मतलब टक्कर का कोई नहीं है। मैं बताऊँ तो मैंने खुद लिया है, तो मैं खुद इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ गाइज, देखो मैंने भी इसको बहुत ही रैपचिक मतलब बहुत ही हार्ड चलाता हूँ कभी कभी, और कभी कभी बहुत स्मूथ चलाता हूँ। देखो गाइज एक स्पोर्ट बाइक होने के बाद भी आराम से आपको 40 से 50 तक ये आराम से माइलेज देती है, डिपेंड और यार मतलब आपका मतलब ड्राइविंग आप कैसे करते हो, किस कंडीशन में करते हो और किस वेदर में करते हो, ये भी डिपेंड करता है गाइज, माइलेज के ऊपर डिपेंड करता है ये भी। तो मैं बोलूँ तो मुझे माइलेज के ऊपर कोई इसका दिक्कत नहीं है, मुझे ठीक ठाक माइलेज दे देती है ये भी, बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल के देती है, मुझे ठीक से पता नहीं है, पर एक बार मुझे ये 50+ का माइलेज दिया था इसने मुझे, तो तब से मैं इसके ऊपर कभी माइलेज के ऊपर मुझे कभी भी शिकायत नहीं है। और गाइज और इसका ओनरशिप रिव्यू का वीडियो बनाऊँ तो देखो गाइज आपको भी प्लानिंग है R15M का लेने का या R15 का कोई सा भी मॉडल का लेने का, तो गाइज आँख बंद का मतलब मैं बोल रहा हूँ आँख बंद करके मतलब भरोसा करो अपने भाई पे, ले लो गाइज अच्छी बाइक है,
पर आप अपने हिसाब से देखना कि आप किस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो। अगर गाइज आप R15 लेके ऑफ रोडिंग करोगे तो बहुत थोड़ी ना होगा, इस बाइक से हो जाता है ऑफ रोडिंग। अगर आपको लॉन्ग टूर करना है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक चाहिए, तो आप MT50 तरफ भी जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो और गाइज पूरा ओनरशिप मैंने तो थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन किया है, अगर आप सपोर्ट दिखाते हो गाइज। और मैंने एक चार्जर लगाया था, वो तो टूट गया है मेरा। ऐसे ही मैं वीडियो बनाने आया था तो वो चार्जर भी टूट गया, तो तब से मेरा दिमाग ख़राब है। 2000 का चार्जर गया मेरा, नुकसान हो गया। तो देखते हैं थोड़ा बहुत पैसा मैं फिर से सेविंग करके कि उन कोई सा भी न्यू मतलब मॉडिफिकेशन का वीडियो या कोई घूमने का वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। और सॉरी गाइज इतना दिनों से इनएक्टिव था, चैनल का रीच भी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को ब्लॉग को गाइज शेयर करना अपने दोस्तों को, तो बोलना कि भाई को सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बहुत ही मोटिवेट हो जाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और इंस्टा पे भी आ जाओ गाइज, साइड में इंस्टा का मतलब देखो साइड में मैंने दे दिया है, तो जाके फॉलो कर लेना गाइज, उधर भी 1K करा दो इंस्टा पे भी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तो आप सब अच्छे रहना, और एडवांस आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है और मैं भी कल भी ब्लॉग बनाने जाऊँगा। तो मिलते हैं फिर से कल कोई सा भी ब्लॉग में। तो गाइज बाय।